आदमपुर से विधायक और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर में सीवरेज लाइन और बाईपास सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। क्रांति चौक में 1,11,00,000 से नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है। बाईपास का निर्माण कार्य करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। क्रांति चौक में नई सीवरेज लाइन बिछने से आदमपुर मंडी के दुकानदारों की वर्षों पुरानी समस्या का निदान होगा। कुलदीप बिश्नोई के अनुसार काफी प्रयासों के बाद यह कार्य शुरू हो पाया है। उन्होंने बताया कि क्रांति चौक की एडिशनल पाइपलाइन रेलवे स्टेशन वाली गली का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, इसके तुरंत बाद क्रांति चौक का कार्य शुरू होगा। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्के से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए वे लगातार प्रयास कर रही हैं। वे संबंधित विभाग के अधिकारियों व मंत्रियों से पत्राचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री से निजी तौर पर मुलाकात करके वे कोशिश करते रहते हैं कि आदमपुर वासियों के समस्याओं का निदान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।